Hello guys, welcome to this amazing video. So we are going to discuss crude oil in this video, okay? And I'll be discussing price action only, okay? जो मैं daily discuss करता हूँ, तो start करते हैं video. People want the same analysis in English audio. Link description में given है. A link is given in the description of my Telegram, okay? So we have over 6,000 members on our Telegram. Join it right now, okay? Start करते हैं analysis guys. ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है प्राइस एक्शन की यहाँ पे, व्हाई वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, तो व्हाई हमारा जाता है बिकॉज आप देख सकते हो कि कैसे मल्टीपल टाइम्स ओके ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आया है. ओके, बहुत ऊपर का एक मोमेंटम दिखाया, उसके बाद एक प्राइस कंसोलिडेशन बनता है. वो इस तरीके से भी कुछ हो सकता था, और फिर एक अपसाइड मोमेंटम, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाउनसाइड भी होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है आपका एक ये डबल टॉप बना है आपका इस तरीके से, एंड उसके बाद प्राइस जो है धीमे धीमे नीचे जाने लग गया. ठीक है, तो मल्टीपल वेज आर देयर ओके, एंड मल्टीपल टेक्निक्स आर देयर जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे टेंड कर सकता है टूवर्ड्स इट पोटेंशियल डाउन साइड. ओके, नाउ दिस इज नॉट अ बिग डाउन साइड. अगर आप किसी पीछे वाले लेवल से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो आप इट्स ट्रैवलिंग अराउंड इट्स 0.6% रिट्रेसमेंट, राइट. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार नीचे आया, चार बार, पांच बार, छह बार, तो छह बार इसने इस पर्टिकुलर एरिया को हिट करा है, राइट. तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है. अब अगर प्राइस एक्शन हम लोग जाएं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्राइस एक्शन लेवल्स, व्हाट्स हैपनिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम. तो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स मेकिंग अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, के बारे में आपने सुना होगा, राइट. सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है यहाँ पे ये. दैट मींस कि प्राइस एक्शन जो है नीचे जाता है, ठीक है, विक्स आती है यहाँ पे, प्राइस एक्शन वापस ऊपर आता है. ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है प्राइस एक्शन में, पीछे वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, एंड देन प्राइस कम्स बैक टू द नॉर्मल पॉइंट. ओके, और फिर वहां से रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक डबल बॉटम बन रहा है करेंटली, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता, बट यहाँ से प्राइस एक्शन ने फिर गिरा, मतलब क्योर नहीं था, उसका कंटिन्यूएशन आया, कंटिन्यूएशन कैंडल कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करके अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता सो इट वुड बी अ ब्रेकडाउन ऑफ द डबल बॉटम परफेक्टली, ठीक है. बट जब डबल बॉटम का ब्रेकडाउन यहाँ से होना चालू होता है तो हम उसे कहते हैं कि एक पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है. बट उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं कि देखो ये विक इतनी लंबी है तो हम इस विक को कंसिडर करेंगे और यहाँ से इस क्लोजिंग तक ले जाएंगे, ठीक है. तो अगर ये पूरा बॉक्स ब्रीच होता है नीचे के, दैट मींस ये जो कंसोलिडेशन हुआ है एक दो तीन चार दिन, इफ दिस कंसोलिडेशन वुड हैव बीन ब्रोकन डाउन, इस तरीके से ब्रेक डाउन होता, तो हम कहते हैं कि भाई यहां से एक अब एक डाउनसाइड और दिखेगा मार्केट में. क्रूड ऑयल जो है हर रीटेस्ट पे उसको शॉर्ट करो. बट करेंटली आप देख सकते हो कैसे इस डिमांड जोन से, ठीक है, ये डिमांड जोन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो प्रीवियस लो ये था, ठीक है, ऊपर गया प्राइस एक्शन, फॉल हुआ, ठीक है. फॉल होने के बाद जब तक ये इसे ब्रीच नहीं करता हम कुछ नहीं बोल सकते इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट प्राइस एक्शन, ठीक है, जब तक इसे ब्रीच नहीं करता. तो इसने इसे ब्रीच नहीं करा, यहीं पे प्राइस स्टेबल रहा, तो मतलब इसने पीछे के लो से एक हायर लो बना दिया. दैट मींस इट्स अ हायर लो. हायर लो कब बोलते हैं, हायर लो के बाद क्या, देखो जब भी हम लोग मार्केट में बोलते हैं हायर हाई तो उसके साथ क्या बोलते हैं, हायर लो, राइट, लोअर हाई और लोअर लो, राइट. इस तरीके से तो होता है कि मार्केट लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज पर आ रही है, अदरवाइज हायर हाईज हायर लोज, हायर हाईज हायर लोज, इस तरीके से बनाती है, राइट. तो अगर हमें एक हायर लो मिल चुका है, मार्केट वापस ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुकी है, तो अगर इसको ब्रेक करती है तो क्या बनाएगी, हायर हाई बनाएगी, राइट, क्योंकि हायर लो तो बना चुकी है, अब ऊपर निकलेगी तो हायर हाई बनाएगी. तो मतलब ये जो मोमेंटम है आप इसे कैप्चर कर सकते हो, राइट. सो इस मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करेंगे भी, ठीक है. अब देखो यहां से इस तरीके से एक लाइन अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट इट्स एट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है. तो अब क्लियर कट पिक्चर हमें यहाँ से मिल रही है. अब हमें चाहिए दो चीजें, टू कंफर्मेशंस. पहली चीज तो कि प्राइस जो है यहां से निकले, दैट मीन्स प्राइस इस लेवल से निकले, ठीक है. अगर प्राइस डायरेक्टली एक ब्रेकआउट देता है,
ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कैप्चर करने पे मत लग जाना, ठीक है, वेट फॉर इट। 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ मैं, 1 आवर यूज नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस एक ऐसी जगह पे है जहां पे ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम है, तो हम डेली टाइम फ्रेम के साथ जाएंगे और 1 आवर के साथ नहीं जाएंगे। दैट्स वाई 1 आवर के साथ कहाँ जाते हैं, इस जगह पे जब टर्न हो रहा था, इस जगह पे जब फॉल कंटिन्यूअस था, इस जगह पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। बट अभी एक ऐसी जगह है जहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या था कि इन जगहों पर डायरेक्ट वन साइडेड मोमेंटम था, तो जब भी वन साइडेड मोमेंटम होता है 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आप। बट 1 डे टाइम फ्रेम हम यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज मार्केट जो है एक ऐसी जगह पे जैसे मेक और ब्रेक हो सकता है, मतलब यहाँ से अगर दोबारा गिरना चालू हुआ, ठीक है, तो क्या पता यहाँ तक आए और फिर एक बार उठ जाए, ये भी हो सकता है एक प्राइस एक्शन, क्योंकि देखो इस तरीके से एक लाइन बन रही है राइट नीचे से, तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ठीक है। बट अगर फॉल करता है और उठता है और फिर ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर क्या, तो फिर बात की सोचेंगे उस टाइम पे। बट तब तक के लिए हमें प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, डिमांड जोन पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन पे, ठीक है। इसको मैं मानता हूँ प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग लो कहता हूँ। क्यों स्ट्रॉन्ग लो कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक डाउन ट्रेंड में था और जब इस पॉइंट को हिट किया तो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऊपर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसी एरिया में रहा और तब से लेके अब तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला है मार्केट को, जब से उसने उस पॉइंट को, उस ट्रफ को, ठीक है, इस ट्रफ को हिट करने के बाद, ठीक है, पीक्स तो बहुत, ये पीक बनी राइट, अब मार्केट ने फॉल करा, ये ट्रफ बनाया है, ठीक है। ये ट्रफ बनने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई मार्केट में, ठीक है। अचानक से क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ से लेके मतलब 6,200 से 7,700 हो गया। Now that is a increment of 20%. तो 20% का increment over 1 week, 2 week जो है साफ साफ बता रहा है कि ये जो point है 6,300, ये point, ये price जो crude oil का है वो बहुत important है, तभी consolidation भी हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक breakout मिलता है हमको तो strong demand zone पे आपको breakout मिल रहा है right with a inverted head and shoulder pattern, ठीक है, with a higher low higher high formation type area, ठीक है, with a weekly support जहां पे है आपका राइट। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज आप देखो इस एरिया पे कितना सपोर्ट लिया था, तब इसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर जब रीटेस्ट हुआ तो स्ट्रॉन्ग फॉल आया, प्रीवियस लो भी ब्रीच हुआ था राइट। फिर जब फिर से मार्केट में एक अमेजिंग डिमांड आई तो मार्केट वहीं पे जाके हॉल्ट करती है, फिर से ट्राई करती है उसको ब्रेक करने का और ब्रेक नहीं कर पाती है और प्रीवियस लो ब्रेक करके एम पैटर्न बना के नीचे फॉल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये जो ऊपर के लेवल्स हैं ये भी बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। बाकी इस लाइन को हमें ब्रीच करना है तो प्राइस एक्शन हो सकता है कि ब्रीच करे पहला लॉट डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये कोई कॉल या टिप या एडवाइस नहीं है कि भाई ब्रीच करते मतलब 6,800 दिखे तो मैं तो बाय कर लो एकदम से, नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि 6,800 दिखे तो अपने हिसाब से प्लानिंग करो, रिट्रेसमेंट का वेट करना है कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे कायदे से एक 1 लॉट डाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है। फिर अगर रिट्रेसमेंट आता है वेल एंड गुड यार, ठीक है, वेल एंड गुड रहेगा वो। अगर छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आता है, 2-3 कैंडल्स नीचे आती हैं, बट वीक के एंड में इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर देनी ही पड़ेगी। अगर वीक क्लोजिंग दी तो कुछ भी हो सकता है, फिर से वापस आ सकता है प्राइस अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगले पूरे हफ्ते आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या 6,800, 6,900 और 7,000 की रेंज में जा रहा है। अगर ये इस रेंज में जा रहा है, मतलब 6,800 से लेके 6,900 की रेंज में, मतलब ये इस रेंज में प्राइस रहता है, सो इट्स अ वेरी गुड रेंज जहां पे आप एक बाय पोजीशन, बाय कॉन्ट्रैक्ट खड़ा कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, ठीक है, या फिर इसी एक्सपायरी का अगर आपको इसी हफ्ते में मिल जाता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से वो देख लो वो सब चीजें। और इस पर्टिकुलर एरिया से लेके हमको 9% तक के टारगेट्स मिल रहे हैं, तो मतलब कि अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक 4% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं राइट। और हम अपना पहला टारगेट क्या रख सकते हैं, 8% का रख सकते हैं पहला टारगेट, और सेकंड 1:2 हो गया राइट। और यहां से अराउंड 12% तक का टारगेट नंबर 2 रख सकते हैं, 1:3 ऑलमोस्ट राइट। तो 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज यहां से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बाय साइड के लिए ये मेरा ट्रेडिंग आइडिया था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स इन दिस वीडियो गाइज। तो जिन जिन लोगों ने देखा ये वीडियो प्लीज लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं 1-2 पोस्ट डाल देता हूँ एक दिन में, ठीक है, और उस पर डिस्कशंस हो जाते हैं लोगों के, कोई भी अगर डाउट होता है तो मैं चलते चलते आंसर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में।